अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं सहोली कैंट अनदर वीडियो ऑफ माइन, और आज का वीडियो एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है और वो चेन-के गाने पे होने वाला है। सो फाइनली आज चेन-के का नया गाना आया है एंड कुछ ही मिनट हुआ है उस गाने को आए हुए। सो आई एम लाइक सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज पर्सनली आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ चेन-के। तो उसका गाना का इंतजार इज लाइक बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है उसके गाने की, और आई होप ऑल द चेन-के फैन आउट देयर मस्ट बी एक्साइटेड अबाउट द न्यू सॉन्ग। एंड यस, आज उस गाने पे रिएक्ट करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चेन-के इज लिरिकली सुपरमैन एंड उसके कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड वीडियोज आर लाइक टू गुड और रियलिस्टिक होता है काफ़ी। तो यस, आई एम लाइक सुपर हैप्पी। जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन दिखा आई वाज लाइक भाई आ गया, फाइनली आ गया चेन-के का गाना। सो यस, आज इस गाने पे रिएक्ट करेंगे एंड द सॉन्ग नेम इज बेरंग विच मीन कलरलेस। और yes, without any further ado we will move ahead with the video, and if anyone of you are new over here make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon just beside the subscribe button. Also I create vlogs, reaction videos, visual poems and many other content, so if you haven't checked those out you gotta go and check it out and subscribe कर देना यार, मतलब free है कर देना भाई। So yes, let's go। पता नहीं इन्हें इज्जत दे दो, ये तो मेरे सर पे चढ़ जाते हैं सारे। सारे जज्बात के गुलाम हैं, डर इनकी खुराक है, धमकियां दे रहे हैं बच्चे मुझे आकर, बकवास कर रहे। इन लोगों से पक रहा हूँ मैं, इनकी तेजियों पर हंस रहा हूँ मैं। मैंने दोस्त समझकर अपने राज बताऊँ, नाराजगी में मेरे राज को मैं थक रहा हूँ मैं। लोगों में तमीज नहीं, मेरे कमरे में छिड़क भी चीज नहीं। वो देख उधर जाना माज मेरी, तो ना पाक जूते इधर घसीट नहीं। मेरे कमरे में शराब पीना मुश्किल है, पेशाब करे खड़े होकर कितने जाहिल हैं। ये तबे तो पूछूं मैं ब्रो तू चिल है, जवाब मिले यार तेरा छोटा सा दिल है। तभी कमरा बंद क्योंकि मुझे सबसे मसले, और वाकई में दिल तो मुट्ठी जितना बस। ये तन्हाई मेरी गूंगी करे मुझे इशारे, मैं तर्जुमा करूँ बेचारे का कागज पे। गलती मैं मान लेता हूँ, कोई तेजी दिखाए तो मैं जान लेता हूँ। ये मेरे राज मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें लफ्जों का, फिर इन्हें नाम देता हूँ। खुलेआम कहता हूँ ये मर्द अंदर से बच्चा है, बच्चा दिखा दूँ समझे नादिर कच्चा है। फिर काट दूँ रिश्ते जिन्हें मेरी ना समझ जाए, पुरानों से पूछ लो नादिर कितना सच्चा है। फिर कट ऑफ करूँ तो ये मेरे पीछे पड़ जाते, वेली औरतों की तरह इनबॉक्स में पहुँच जाते। साले बद किरदार से तानों में उतर आते, हाँ दिखा दें गंदे खून के साथ औकातें। फिर ये बदला ले करके मेरे बारे में 10 बकवासे, मैं कहूँ तब अपने आप से रुक इनको ना तू जवाब दे। कागज पे निकाली तू अपनी सारी बढ़ासी, अल्फाज तेरे नायाब से रह जाएंगे नकाब में। तो तुझे कहना चाहता हूँ मैं, बेरंग सा हूँ मैं इन नजरों से, क्या मिला हाँ रह जाऊंगा रूह में, तेरी आधी खुशबू में कसमों से क्या मिला। गुनाहों की नुमाइश ना करूं मैं थोड़ी सी भी, ना दिल रखे पाक अपनी मौसीकी। बुराइयां दिख गई फिल्मों से जो सीखी थी, सिगरेट दिखाने की क्या वजह होगी। फिर एतराफ करे नादिर, दिल साफ करे कभी कभी नादिर भी, धुएं से सांस भरे। फिर दिमाग लड़े जमीर ना लिहाज करे, कहे तू जिहादी फिर ये क्या बकवास करे। भूल जा जन्नत की हूर तू, भूल जा दोज़ख की धूप तू, बस तेरे ऊपर ये गंद बिल्कुल जचता नहीं। जमीन की सबसे अक्लमंद मखलूक तू, शेर से भी ज्यादा जंगल में राज तेरा, बंदर से ज्यादा तेज दिमाग तेरा। फंस जाए जब तू गुनाहों की गार में, तो याद रखी के जानमाज चिराग तेरा। तुझे कहना चाहता हूँ मैं, बेरंग सा हूँ मैं इन नजरों से, क्या मिला हाँ रह जाऊंगा रूह में, तेरी आधी खुशबू में इन कसमों से, क्या मिला। करे तो कैसे, सवाल पूछे मुझसे लोग ये, मैं इन्हें हीरा दूं ये मांगे कोई ले। पूछिए अगला सवाल पूछिए, नादिर तेरी कब शादी होगी बे? भाई गौर से देख हुलिया जैसे काफिर, मैं क्या बताऊंगा उसके बाप को शायर मैं। समाज पर के अंगूठियाँ छुपा लूं पहचान, इतना नहीं कायर मैं। बाप छोड़ो वो तो बात की बात है, कोई मिलती नहीं जिसका मेरा जैसा दिमाग है। मैं ढूंढ रहा हूँ औरत जो पूरी आजाद है, समझ ले जो हर मर्जात मेरे बाद है। मसला नहीं अगर वो ना हो ना माजी, बस फैसलों पर उसके घर वाले हो राजी। खुददारी को मेरी पके वो अनानी, चलाओ को समझ ले पर मुझसे चलाक नहीं दो। तुझे कहना चाहता हूँ मैं, बेरंग सा हूँ मैं इन नजरों से, क्या मिला? हाँ रह जाऊंगा रूह में, तेरी आधी खुशबू में, इन कसमों से क्या मिला? Okay, and this was Berang by Chen-K, और गाना के बारे में क्या ही बोलूँ मैं। I'm so happy after watching this। और Chen-K का जो normally जो videos होता है, it's kind of dark और you know थोड़ा सा demonic type का होता है। and मुझे पर्सनली you know वैसे टाइप का वीडियोस बहुत ही ज़्यादा कैची लगता है। एंड लाइक द इंटायर एडिटिंग, मैंने पढ़ा है ऐसा कि Chen-K अपनी वीडियो खुद एडिट करता है। सो लाइक आई मीन सुपर, इट्स द इंटायर कंसेप्ट ऑफ द वीडियो एंड द लिरिक्स। मतलब लिरिक्स की बात जब आती है ना, तो Chen-K के अलावा कोई सामने नज़र नहीं आता, बिकॉज ही इज़ सो गुड। और स्टार्टिंग जो गाने का जो स्टार्टिंग हुआ था वो ऑब्वियसली सोशल मीडियाज़ को लेके हुआ। आई नो लाइक यू नो अभी अगर आप लोग सोशल मीडियाज़ करते हो या यू नो वीडियोस बनाते हो या कुछ भी वैसा, तो हेटर्स के तो यू नो कमेंट्स भर के आते हैं। एंड ऐसे कमेंट्स आते हैं ना जो कभी कभार लेना मुश्किल हो जाता है। एंड इट्स लाइक इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और ऑब्वियसली जो ऑलरेडी फेमस है जैसे कि Chen-K, ही हैज़ अ गुड नंबर ऑफ व्यूवर्स, तो ऑब्वियसली लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं। एंड देर आर पीपल जो यू नो ऐसे ही बस यूं ही आपसे नफरत करते हैं, बिकॉज they don't want to see you happy or do you know or they don't want to see you doing good things। तो ऐसे भी लोग होते हैं, भले आप कितना भी कंटेंट अच्छा बना लो, they are just there to demotivate you। So Chen-K का स्टार्टिंग का पार्ट was like for all those people out there। and कुछ एक लाइन था जिसमें वो बोल रहा था कि आजकल बच्चे मजाक उड़ाते हैं, तो you know like अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, like there are loads and you know bunch of teenagers out there on social media जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ऑब्वियसली लाइक यू नो कुछ इंसल्टिंग कमेंट्स और कुछ बुरे बातें ज़रूर पिंग कर रहे होंगे। एंड स्टूपिड क्वेश्चंस, एज वी ऑल नो कि सोशल मीडिया क्या बला है भाई। तो यस, वो सारा कुछ इसने Chen-K ने स्टार्टिंग में ही you know सबको अच्छे से दे दिया है रख के। that was like you know that was so cool। और बहुत अच्छा, मतलब लिरिक्स जिस तरह से Chen-K सेट करता है एंड जिस तरह से यू नो उसका प्रेजेंटेशन होता है, इट्स लाइक काबिले तारीफ है भाई, काबिले तारीफ। और जो मुझे जो सबसे अच्छा वाला पार्ट लगा वो था यू नो लास्ट का कुछ पैराग्राफ जहाँ पे वो यू नो शादी के बारे में बोलते हैं। लाइक वन ऑफ दी व्यूवर्स माइट हैव क्वेश्चन्ड हिम कि यू नो शादी कब करोगे, किससे करोगे? तो उसका जो रिप्लाई था, इट वाज लाइक लड़की जो आज़ाद हो और नहीं फ़र्क पड़ता कि वो नमाज पढ़ती हो या नहीं। मतलब यू नो लाइक जो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे एंड ईगो को ना इम्पोर्टेंस दे के सेल्फ रिस्पेक्ट को दे। एंड दैट वाज लाइक आई मीन दैट वाज सुपर मोटिवेटिंग। एंड वो वाला पोर्शन लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और आई नो चैन के अपने हर गाना में नमाज और यू नो रिलीजन का जो पर्सपेक्टिव है और जो चीज़ वो प्रैक्टिस करता है, तो आई नो लाइक वो ट्राई करता है कि अपने गानों पे वो सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत बोले, बिकॉज आई नो ही प्रैक्टिस इस्लाम और तो नमाज रिलेटेड या यू नो जो भी बेहयाई होती है अभी के रैप वीडियोस में, तो उन सारे चीज़ों के वो अगेंस्ट होता है और वो अच्छी चीज़ों को ही ट्राई करता है पोर्ट्रे करने का। तो लाइक वो जो बीच का कुछ था जहाँ पे वो सिगरेट पी रहा था और जहाँ पे वो बता रहा था कि यू नो लाइक कुछ कुछ आदतें हैं या कुछ कुछ जैसा जो मैं ड्रेसिंग करता हूँ उससे लगता है कि मैं काफिर हूँ, बट यू नो लाइक और यू नो देयर वर सम लाइंस जो बहुत मोटिवेटिंग था कि लगता है कि तुम अगर काफ़ी डाउन फील कर रहे हो तो यू नो नमाज जाए, नमाज तुम्हारा चिराग है। तो वो सब लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड लाइक मतलब मुझे बस इसीलिए चैन के पसंद है बिकॉज ही एंटरटेन्स। अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट, अच्छा लिरिक्स, रैप, नो गंदगी एंड प्लस देयर इज ऑलवेज अ मोटिवेशन फॉर रिलीजन। नो लाइक फील होता है कि हाँ पीपल कैन बी सक्सेसफुल और पीपल कैन बी सक्सेसफुल एंड कैन ऑल्सो स्टिक टू देयर रिलीजन। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे चेंके के गाने से सीखने को मिली है, स्टार्टिंग फ्रॉम हमशक्ल टू बेरंग। सो इट्स लाइक आई एम लाइक नाउ लाइक अ बिगर फैन ऑफ चेन-K। तो यस, मुझे तो ये गाना बहुत पसंद आया। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आप लोगों को कैसा लगा। एंड यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड ऑन दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड आई विल कैच यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज।